हे गाइस, कैसे हो सभी लोग। तो आज हम लोग करने वाले हैं एक नए टीवी का अनबॉक्सिंग, और आज हम उस टीवी को अपने घर पे लगाने भी वाले हैं। तो इसके रिलेटेड पूरा वीडियो मैंने बनाया। ये टीवी है एलजी का, और एलजी का पूरा नाम इस टीवी में रहेगा एलईडी 108 सेंटीमीटर का है ये, 43UR8050। इसका मॉडल नाम है, जो कि है 4K में। और यहाँ पर आप देख सकते हो पूरी डिटेल्स, यहाँ पर मॉडल नंबर भी लिखा हुआ है। यहाँ पर प्रोडक्ट टीवी जो है एलईडी टीवी 108 सेंटीमीटर का है। तो ओवरऑल आप देख सकते हैं पूरे का पूरा कंट्रोल जो है इसका, मतलब डिटेल्स जो है इसकी दी चुकी है। अभी जैसे ही भैया आते हैं, हम लोग डायरेक्टली इसका इंस्टॉलेशन भी लगा देंगे, मतलब डायरेक्टली इसको हम खोलकर अनबॉक्स करके इसको अपनी स्टैंड पर लगा देते हैं। और यहाँ पर जो है उसका बैक साइड है, जहाँ पर सेम टू सेम वही एलजी का UHD AI थिंक क्यू है। और यह है Alpha 5 करके कुछ प्रोसेसर है इसमें, और 6th जनरेशन है। ताकि इसके रिलेटेड पूरी डिटेल्स मैं आपको दे पाऊँ, उसी रिली में बताओ। ये देखो यहाँ पे लिखा है HDR10 Pro Alpha 5, अगर आपको दिखेगा तो ये लो, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। WebOS और ThinkQ AI है, ताकि इसमें आपको प्रॉपर लेवल पे सब कुछ सुनाई दे। तो ये हो गई पूरी की पूरी बॉक्स की डिटेलिंग्स, जो कि आप लोगों को मैंने अभी तक दिखा दी है। अभी आ रहे हैं हमारे भैया, जो कि इंस्टॉलेशन करेंगे। यहाँ से इसका अनबॉक्स करते हैं डायरेक्टली। ये हो रहा है इसका कटिंग सिस्टम। और आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ हिट दैट लाइक बटन। और इस तरह के वीडियोस देखने के लिए, मैं तो वैसे गेमिंग का करता हूँ, लेकिन अगर आपको इंस्टॉलेशन या फिर कुछ ऐसी चीज़ें देखनी है ज़्यादा, तो आप मुझे बिल्कुल सजेस्ट करना, ताकि मैं और वीडियोज़ लेकर आ सकता हूँ आपके लिए। ये देखो यहाँ पर अनबॉक्स हो रहा है, ऊपर का थर्मोकॉल निकाल चुके हैं हम लोग। यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे हमको दिखने को मिल रहा है HDMI के पोर्ट्स, जो कि तकरीबन आपको यहाँ पे 3 दिख रहे हैं। रुको मैं थोड़ा कॉन्सेंट्रेशन कर। हाँ, ये देखो 3 पॉइंट्स आपको HDMI के दिखे, एक कुछ डिसकनेक्शन का रहेगा और एक दो और भी है माइक वगैरह के। तो अभी इसका इंस्टॉलेशन कर रहे हैं भैया, धीरे धीरे करके इसमें स्क्रू वगैरह सब लगेंगे, वो आप लोग देखो मज़ा आएगा। देखो दोस्तों, यहाँ पे जो है हम लोग फिटिंग्स के लिए पूरा प्रॉपर एकदम से नाप और तौल कर रहे थे कि कितनी हाइट पे हमको स्टैंड लगाना है। यहाँ पे हम लोग ने स्क्रू तो बिठा दिया था, लेकिन हमने ड्रिल करने के बाद ये सोचा कि एकदम से परफेक्ट होना चाहिए ना टीवी, थोड़ा सा भी ऊपर ना हो, थोड़ा सा भी नीचे ना हो, साइड से भी ज़्यादा ना हो और कम भी ना हो। तो इसके लिए भैया ने जो है पूरा वो लेवल का एक रहता है, एक मीटर उसका रहता है, वो स्टैंड लगाने के बाद ना, वो लाल कलर का देख रहे हो जो उनके हाथ में है, उससे पता लगता है कि कितना लेवल है। इसके अंदर कुछ लिक्विड सा रहता है, पानी सा रहता है, तो वहाँ से पता चलता है कि एकदम से प्रॉपर लेवल में है ये टीवी। और अभी इसमें हम स्क्रू लगा सकते हैं। तो ये था पूरी की पूरी एकदम से ऐसे प्रोसेस, जैसे कि हम लोग एकदम से प्रॉपर लेवल पर रख सकते हैं टीवी को। या और अभी यहाँ पे जो है आप लोग देख सकते हैं, एकदम लेवल करने के बाद ही हम लोग स्क्रू मारना शुरू करेंगे। भैया ने एकदम से प्रॉपर लेवल पर लेवल किया था, ताकि टीवी जो है कहीं पे भी ऊपर या फिर थोड़ा सा भी नीचे ना देखे। ये एक बेहतरीन टाइमिंग होती है इन लोगों की, पता नहीं इन लोगों को प्रैक्टिस होती है या फिर क्या, लेकिन ये एकदम से कहते हैं ना कि कारीगर का काम कारीगरी करता है। तो ये भैया एकदम से प्रॉपर लेवल पर प्रो गेम प्ले कर रहे थे यहाँ पर। तो हाँ, ये लग गया है हमारा स्टैंड, और डायरेक्टली यहाँ पर टीवी इंस्टॉल हो जाएगा। मुझे लगा था कि टीवी इंस्टॉल होने में ना थोड़ा सा टाइम लगेगा, लाइक ये स्टैंड इतना हैवी है, तो मतलब टीवी भी इतना हैवी है, तो थोड़ा सा मेरे को लग रहा था कि 15-20 मिनट तो सिर्फ टीवी को ऐसे पकड़ने में और उसको जॉइंट करने में लगेगा, बट ये स्क्रू लगाने में और टीवी जॉइंट करने में आपको पता है सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट ही लगी टोटल टाइम लगाकर। सिर्फ 15 मिनट में तो काम हो भी गया था पूरा।
तो ये एक बढ़िया चीज़ है जीवन। अभी अगर आप देखोगे तो ये देखो स्टैंड पूरा बाहर इतना सब बाहर आ गया, मतलब चार या फिर तीन इंच तक बाहर आ गया, देख रहे हो थोड़ा गोबा चले हुए कर रहे हैं ऊपर नीचे, मतलब थोड़ा सा ये देखो। और उसके बाद भैया ने थोड़ा सा टीवी को उठाकर डायरेक्टली चिपका ही दिया, मैं जैसे रिकॉर्ड करने गया था उससे पहले भैया ने लगा भी दिया, मतलब थोड़ी देर के लिए मैं आगे पीछे क्या हो गया, भैया ने तो टीवी लगा दिया। ये देखो भैया हंस भी रहे थे, मैं बोल रहा था भैया मुझे रिकॉर्ड करने देते यार, देखो सामने मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ यार, कैसे थे बट इट्स ओके, मजा आया। और इंस्टॉलेशन जो है फटाफट से हो गया एलजी में, जो परफेक्ट। और यहाँ पे देखा जाए तो अभी भैया जो है सेटअप कर रहे हैं कि आपको कितने लेवल पे रखना है, आपको टिल्ट कितना रखना है, मतलब बाहर कितना रखना है टीवी को, अंदर कितना बिठाना है। जैसे कि मैंने आपको दिखाया कि 4 से 5 इंच तक ऐसा इसका स्टैंड बाहर अभी अभी आपको बोला था आया, तो उस हिसाब से अभी मेरे को वो पूछ रहे थे कि कितना आपको बाहर या फिर अंदर रखना है। तो वही हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि भाई इतना तो हमको रखना ही रखना है, ताकि हम कभी पीछे को कुछ हाथ लगाए, जैसे कि एचडीएमआई पिन हो गया या फिर हो गया या फिर कुछ भी लगाना है तो हम लोग लगा सके और कोई सीन ना हो। साथ ही में मैं देख रहा था, शूट भी कर रहा था, मतलब बहुत अच्छा लगता है। इट्स ओके, जो भी है, ये देखो टीवी हो गया इंस्टॉल एकदम से प्रॉपर लेवल पे। आप लोग पूरा अनबॉक्सिंग वीडियो, ये देखो पूरा टिल्ट कैसे होता है, देख रहे हो भैया अभी यही बोल रहे हो गए, ये देखो पूरा ऐसा भी हो रहा है साइड में और इस तरह से भी हो रहा है साइड में। अभी हो रहा है वर्क जो है वायरिंग का, और वायरिंग के रिलेटेड वो भी बोल रहे थे कि आपको कितना मतलब नीचे से लेना है या फिर स्टैंड के पीछे से, तो मैं बोला स्टैंड बनवाया तो फिर पीछे से ही लेते हैं डायरेक्टली, है ना। ये हो गया यहाँ पे पूरा वायरिंग, अभी टीवी को भी स्टार्ट ही कर देते हैं, एक सेकंड में भी आपको स्विच करके यूम करके स्टार्ट करेंगे। वैसे ऊपर मेरे शील्ड्स है कुछ, जो मैं प्रोफेसर था तब का। चलो अभी टीवी स्टार्ट हो चुका है दोस्तों, ये देखो जस्ट एक ही सेकंड में, यस ये हो गया टीवी स्टार्ट। मुझे लगा था कि टीवी में 43 इंच होगा तो मतलब स्टैंड मेरा जो है टीवी का वो छोटा पड़ जाएगा, लेकिन मैंने जिस हिसाब से इसको नाप तोल कर लिया था ना, तो बहुत ही ज़्यादा हमको एकदम से कट टू कट स्टैंड में बैठ चुका है। यहाँ पे जो है भैया कुछ एलजी के मोबाइल से कनेक्ट कर रहे हैं और मेरा जो बिल है उसके साथ उसका जो वारंटी वगैरह है वो सिस्टम देख रहे थे। थोड़ी देर में वेट करूँ, मैं तो बहुत एक्साइटेड था वैसे इसके लिए कि अभी टीवी स्टार्ट होगा, 4K में सब कुछ अभी तो देखूंगा, मतलब प्रॉपर एकदम से एक्साइटेड था मैं और वैसे अब भी हूँ। जैसे कि ये देखो अभी आप देखोगे तो रिमोट का कंट्रोल्स यहाँ पे पूरा दिखा रहा है, और हमको भैया भी सिखा दे कि ये देखो इसका रिमोट का ये कुछ यूज़ है और आप इसको कुछ इस तरह से कंट्रोल कर सकते हो, वो तो नॉर्मल है सबके यहाँ पे हो ही जाएगा। इसकी एक ना एलजी की थिन क्यू करके एक ऐप आती है, वहाँ से आप लोग इसको थ्रू योर मोबाइल आप इसको वो भी कर सकते हो, कनेक्ट भी कर सकते हो। और यहाँ पे मैं बैकग्राउंड में सॉन्ग लगा रहा था, तो बैकग्राउंड में जो है वो पूरा एकदम से श्री राम भगवान जी का एकदम से सॉन्ग चल रहा था और पूरा घर एकदम से खुश हो चुका था यहाँ पे, और हम लोग भी खुश थे कि पूरा टीवी का इंस्टॉलेशन प्रॉपर तरीके से हो चुका है। तो ये थी आज की इंस्टॉलेशन वीडियो दोस्तों, आप लोगों को अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज़ हिट दैट लाइक बटन, कम से कम जबरदस्त वाला लाइक कर दो, लोगों तक पहुँचाओ तो इस वीडियो को शेयर कर, और हाँ सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर से करना। जय श्री राम, हर हर महादेव, गुड बाय, यस गुड बाय। और ये था लास्ट में मैं जो कि टीवी के सामने आ गया और मैं बोल रहा था ये लो हो गया गाइज, बाय बाय।